अफगानिस्तान में शदीद झड़पें, तालिबान के हमले में कापेसा के डिप्टी गवर्नर हलाक। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं और ताज़ा झड़पों में कापेसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान तालिबान हमले में हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कापेसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान तो अब गुज़िश्ता रोज़ ज़िले नजरात में तालिबान के हमले में हलाक हुए। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़िले बगराम में अफगान एयरफोर्स का पायलट पर फायरिंग से हलाक हो गया। इधर गवर्नर परवान ने दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे परवान के जिला शेख अली का कब्जा तालिबान से वापस ले लिया है। ताहम जिला शेख अली के नवाह में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अफगान फोर्सेस ने सियागान, कहमरत और चिखानसवर अजला का कब्जा तालिबान से वापस ले लिया था।